आप कह रहे थे पकौड़े बेचो, कभी बच्ची के पकौड़े खिलाएंगे विधानसभा के सामने सबको अगली बार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जवान है ना वो पढ़ लिख के पकौड़े बेच लेंगे, तो मच्छी पालन कर लेंगे, मच्छी के पकौड़े बेचा के प्रधानमंत्री के आदेशों की पालना कर। इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लाला लाजपत राय चौक पर धान बोने के लिए पहुंचे हैं। एक तरफ किसानों की धान जल भराव से डूबने से खराब हो चुकी है, फसलें बर्बाद हो चुकी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर धान उगा रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं चरखी दादरी न्यूज चैनल का व्यापारियों की आम आदमी की समस्या उठाने के लिए इनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आज धान लगा रहे हैं? धान हम नहीं लगाना चाहते थे, बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने धान लगवा दिए, इनने ये साबित कर दिया कि दुकान ने बंद करवा दी न पानी भरने से, और ये कह दिया कि चाहे खेती कर लो इतना पानी भर गया बाजार में, ग्राहक नाम की चीज नहीं, दुकानदार घर न जा तो बाढ़ के खर्चा मांगे, दुकान खोलना तो ग्राहक की नहीं, आधे आंदोलन धरना बैठे हैं, आधे मारे गल धान लगवाओ। धान की खेती कर रहे हो? हाँ जी, धान की खेती कर रहे हैं। अगर यह बीजेपी 2024 पकड़गी ना तो यह मच्छी पालन भी करवा देगी। मैं तो ये व्यापारी और दादरी जिले की जनता ये कह रही है कि तड़का इलेक्शन हो जा, इनने साइड में कर दिया, और सिस्टम व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार लिया कि ना दादरी का शहर का विकास करें। अच्छा एक बात बताओ भाई, बोलते हैं मछली का बीज गेड़ तो समस्या मिट जाएगी? हाँ बिल्कुल मिट जाएगी, आज ही तो नहीं मिटेगी। मिटेगी, साहब कह रहे थे पकौड़े बेचो, कभी मच्छी के पकौड़े खिलाएंगे विधानसभा के सामने सबको अगली बार। अच्छा मच्छी के पकौड़े? यस हाँ मच्छी के पकौड़े। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। लाला लाजपत राय चौक पर धान बोने के लिए पहुंचे, क्या मामला? मामला ये है कि दादरी प्रशासन से पानी की निकासी तो हो नहीं रही है, हर दुकानदार आमजन परेशान है, आने जाने ना कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होके गिर रहा है, किसी के चोट लग रही है, कोई अस्पताल पहुंच रहा है। दादरी प्रशासन की आंखें खोलने के लिए, हरियाणा सरकार की खोलने के लिए हम यहाँ प्रशासन को जगाने के लिए धान बोने के लिए आए, और तो कोई काम बचा नहीं है। दुकानदार दुकान बंद कर अपने घर बैठे हैं, तो यह धान की खेती कर लें ताकि सरकार कुछ आंखें खोलें। अगर धान इससे भी नहीं जाएगी फिर मछली पालन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जवान है ना वो पढ़ लिख के पकौड़े बेच लेंगे, तो मच्छी पालन कर लेंगे, मच्छी के पकौड़े बेचा के प्रधानमंत्री के आदेशों की पालना कर। चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लाला लाजपत राय चौक पर सड़क पर धान उगा रहे हैं, और वही कार्यकर्ता का कहना है धान उगाने के साथ साथ मच्छी का बीज भी पानी में डालेंगे ताकि एक साथ दो खेती हो सके। विरोध प्रदर्शन है, अगर सरकार समझे ना, या अनपढ़ सरकार समझ नहीं रही, बड़ी मतलब न्यू ला लो निकम्मी सरकार है, नहीं तो यूं पौध ले की जो खेता में बिजाई हुआ शहर में आगे ना इसका मतलब सर पर का पानी फेर लिया। इन भाई एक बात बताओ, जो आपकी सरकार आज दादरी में क्या कमाल कर देगी? भाई साहब मैं यूं कहता हूं कि पंजाब में बारिश आई थी, दो घंटा बाद साफ कर दिया पानी। अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली में भी आपकी सरकार खुद के तो पार दी सरकार? दिल्ली में ये है कि दिल्ली में पूर्ण राज्य नहीं है, चौथा ही सही सरकार है, फिर भी अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया जिस भाई का कोई नुकसान है वो दिल्ली सरकार भरपाई पर करेगी, तैयार है। अगर उरा का विधायक उरा का चेयरमैन इस लो चौक पर इन्हें कह दे जितना भी नुकसान है ग्राहकी टूटे उसका भुगतान कर दे, हम राजनीति छोड़ दे। देखिए चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दे, चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय चौक पर धान उगा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका सरकार को संदेश है कि परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी है, सड़कें पानी में लबालब हो चुकी है, और धान उगाना मतलब एक विरोध प्रदर्शन है। आखिरकार देखना होगा कि ये जो दादरी की जो परिस्थितियां बिगड़ चुकी है ये हालात कब सुधरते हैं, क्या आपको लगता है सरकार इन मामलों पर ध्यान देगी? अरबों रुपया का सामान खराब होगा, बिक के सब दुकाना का सामान छिड़ रहा है, पानी भर के तो देख लो भुगत लेंगे के सरकार, या सरकार आ गई तो अगले जन्म आदमियां जीवन का थोड़ा एक होनी। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, डीसी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं क्यों? तो डीसी का है, हो मालिक तो डीसी जिला का करवाती है। अच्छा एक बात देखा होता है, एक डीसी आता है व्यवस्था समझता है तब तक उसकी बदली हो जाती है, दूसरे का समझा बदली हो जाएगी, यहाँ के विधायक और सांसद के खिलाफ नारेबाजी क्यों नहीं होती? मैं बताता हूँ इसमें, मैं बता दूं आपको, डीसी की बदली होती है, कुर्सी की बदली नहीं होती कभी, कुर्सी वही रहती है, सिस्टम वही रहना चाहिए, बजट वही आता है, डीसी के साथ बजट नहीं जाता, बजट तो यही आएगा। तो चार साल से जो गद्दी पर बैठे हैं नेता उनके बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा? यूं है, अगर छोरा गलती कर दे तो बाप सुधार लिया, हम तो सिद्धि बाप ने कहा जो खट्टर हर दूषण तो उनने कहा थम दोषी हो, थम गलत कर रहे हो, बालक तो जब सुधरेंगे जब थम ठीक हो गए। ये व्यापारी खड़े हैं दुकान ना गई, ये बेचारे ग्राहक को नहीं करना चाहे तो बाढ़ जाती ना, पापा के ले आया इनके ईसे ईसे सामान है, 24 घंटा में खराब हो जाए, चौथा पांचवा दिन है इनने दुकान खोली। जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या कुछ समस्या है इस वक्त आप झेल रहे हैं? हमारे तो समस्या है जी, कोई मतलब समाधान नहीं है, चार साल हो गए हमारे को समस्या भुगतते हुए, कोई भी समाधान ये ना सरकार कर रही, ना डीसी कर रहा, ना प्रशासन कर रहा, कोई नहीं कर रहा, हर जगह एप्लीकेशन लगा दी, हर अफसर से मिल लिए,
चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दे, चरखी दादरी में सड़कों पर जलभराव होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आने वाले समय में और अधिक बारिश हो सकती है, अगर बारिश होती है तो जो परिस्थितियां हैं वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। इस वक्त अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो चरखी दादरी के दुकानदार और व्यापारी सबसे बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार दुकानें बंद होने के कारण जिन दुकानदारों का चूल्हा उन दुकानों के चलने से चलता था, आज कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ रहा है। जी भाई साहब, ये तो टैक्स भरनिया का दुकाना का हाल है, जो टैक्स दे रहे हैं ऊपर देख लो, अंधेरी रात होने हो रही है दिन में भी, और प्रशासन का कोई अधिकारी घूमता हो या कोई पब्लिक हेल्थ का एक्शन आया तो कोई देख ले। ये दुकानदार भगवान आगे तो हाथ जोड़े, भगवान टेक रखिए, और दुकान ना आगे न्यू तिरपाल ले खड़े हैं, कदे पानी भीतर चला जाना, गंदगी ने साफ करने खतरा आम आदमी पार्टी आगे आ रही है। जी देखिए, लगातार तो चरखी दादरी से आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय चौक पर आज धान रोपाई कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार जो परिस्थिति गंभीर हुई है वो सरकार की लापरवाही से हुई है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।